न्यूज़ फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। अब मुंशी का ले लीजिए आप, नमस्कार, मैं हूं प्रणव राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कोरोना वायरस काफी तेजी से अपना पांव पूरे विश्व में फैला रहा है। अगर बात कर ले भारत की और बिहार की, तो यहां भी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार, हर संभव प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए और रोकथाम किया जाए। इसको लेकर के तमाम जो कवायद है वो जारी है। सरकार अपने तरफ से भी लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है और कोशिश यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी क्रम में अगर बात कर ले, चाहे वो राजनीतिक दल के कोई भी नेता हों, कार्यकर्ता हों, हर कोई यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों तक मदद पहुँचे, हर गाँव गली कस्बे मोहल्ले तक मदद पहुँचे। जो तमाम ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या फिर वैसे लोग जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं, उनको काफ़ी समस्या हो रही है क्योंकि उनका जो कामकाज है वो पूरी तरीके से ठप है। तो उन तक मदद पहुंचाने के लिए तमाम जो राजनीतिक नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जमुई की, जमुई विधानसभा क्षेत्र की, और जो RJD के MLC हैं संजय प्रसाद, वो देखिए वहाँ पर किस तरीके से राशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, खुद लगे हुए हैं जोरों शोरों से। पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से हर गांव गली जाकर लोगों तक राशन पहुंचा रहे थे, जो भी जरूरत का सामान होता है वो उन तक पहुंचाते हैं। और उन्होंने जो तमाम लोग हैं उनसे अपील भी की थी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोई भी अगर आपको समस्या हो या आपको किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम आप तक सामान जो है वो ज़रूर पहुँचाएँगे। आपको बता दें कि जो संजय प्रसाद हैं MLC हैं, ये लगातार शुरू से ही जमुई के तमाम जो कह सकते हैं कि गाँव है, प्रखंड है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मदद पहुँचा रहे हैं लोगों तक। और जो चकाई विधानसभा क्षेत्र है उसमें काफ़ी उसमें भी पंचायत हैं, वहाँ तक भी कई ऐसे लोग हैं जिन तक राशन नहीं पहुँचा है, उन तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में उन्होंने 165 परिवार के बीच कह सकते हैं कि जो राहत सामग्री है वो बांटा। राहत सामग्री में आपको बता दें कि चावल, दाल, आलू, बिस्किट, नमक, जो भी खाने पीने का सामान है उन लोगों तक पहुँचाया जो प्रतिदिन मजदूरी का काम करते हैं और उनका कामकाज अभी लॉकडाउन की वजह से ठप है। तो फिलहाल स्थिति यह है कि जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। पहला लॉकडाउन जो था वो 21 दिनों का था, यानी कि 14 अप्रैल को वो लॉकडाउन खत्म हो चुका, लेकिन उसके बाद जो लॉकडाउन 2 है वो शुरू हो चुका है और ये भी करीब 19 दिन चलने वाला है, यानी कि 3 मई को लॉकडाउन 2 जो है वो खत्म होगा। उसके बाद सरकार देखेगी क्या कुछ स्थिति है, उसके हिसाब से आगे का फैसला किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या नहीं। तो फिलहाल जो लोग हैं, जो जरूरतमंद कई ऐसे लोग हैं जिन तक अभी भी सरकार की मदद नहीं पहुँच रही, उन तक कोशिश कर रहे हैं जदयू के जो एमएलसी हैं संजय प्रसाद, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे और लगातार राहत कार्य में लगे हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको छोड़े जाते हैं उसी विजुअल पे, देखिए किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं।